नमस्कार, मैं प्राची संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। संगीत का ये मंच हमेशा ही आपको सुरों की गंगा में डुबोता है। आज हम लेकर आए हैं बांसुरी के जादूगर मैहर घराने के पंडित रोनू मजूमदार जी को। पंडित जी ने देश में ही नहीं विदेश में भी बांसुरी वादन को एक नई ऊंचाई दी है। नमस्कार एंड वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, अ स्टेज वेयर ग्रेट म्यूजिशियंस परफॉर्म देयर बेस्ट। Our artist for today is Pandit Ronu Majumdar, the accomplished flute player. Born in Varanasi, Ranendranath Majumdar, popularly known as Pandit Ronu Majumdar, learned the flute with his father, Dr. Bhanu Majumdar. वो तो एक बहुत बड़े रियासत के एक मालिक थे और इसीलिए मजुमदार नाम पड़ा और राय बहादुर बीके मजुमदार मेरे दादाजी थे, मगर पार्टीशन के बाद वो बनारस आ गए और बनारस आने के बाद जो शुरू से हम लोग के जो वहाँ पे महल में आते थे कलाकार, तो उनको कला से बहुत प्रेम था और वहाँ पे भाटियाली बाउल ये जो दो बंगाल का संगीत है वो भी पिताजी को बहुत मिला वहाँ पे, और उसी चीज़ों को बजाने में बहुत खासियत थी उनकी, वो मैंने पिताजी से सीखा। पेंटर होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद वो एक बहुत अच्छे बाँसुरी वादक भी थे। पन्नालाल घोष जी की बहुत सेवा की और उस वजह से बांसुरी उनको सीखने को मिला, तो उनको एक दुख था कि मैंने इतना देरी से शुरू किया, मैं प्रोफेशनल बांसुरी वादक नहीं बन पाया। तो उसी दुख को या उसी शौक को या उसी पैशन को और उसी दीवानगी को उन्होंने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया और मुझे बांसुरी 6 साल की उम्र में मेरे हाथ में बांसुरी दे दिया और मैं सीखता रहा बनारस में। पिताजी से सीखने के साथ साथ मैं महादेव प्रसाद मिश्रा जी के घर भी जाता था, जो ठुमरी के एक मसीहा, एक ठुमरी के समझिए कि एक बहुत बड़े बादशाह कहे जाते थे, तो उनके वहाँ जाने से शाम को हनुमान चालीसा गाई जाती थी। वो एक हनुमान चालीसा कोई पाठ की तरह नहीं बल्कि एक पूरा शास्त्रीय संगीत की बंदिश की तरह गाई जाती, सब लोग मिलकर गाते थे। उसके साथ साथ ठुमरी दादरा में क्या रस होना चाहिए, जो छोटा सा कोमल नहीं लग गया तो उसमें जो नज़ाकत, उसमें जो दर्द, उसमें जो रोमांस, ये सब बचपन में मुझे उनसे मिला। और बम्बई आने के बाद 74 में जब बम्बई आए हम लोग, तो उसके बाद पिताजी को लगा कि अब मेरे बच्चे को किसी महान गुरु के पास भेजने का समय आ गया। तो मुझे पहले तो एक बात, महादेव गुरु जी कहते थे कि उत्तम गाना मध्यम बजाना, तो गाना सबसे उत्तम इसीलिए है कि उससे जो कुछ निकल सकता है वो साज में कभी कभी लिमिटेशन आ जाती है, तो उसके नज़दीक जाने के लिए जाने का साजिंदे प्रयास करते हैं। तो गाना सीखने के लिए हमको बहुत महान गुरु के दर्शन हुए एक आश्रम में, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले। तो बांसुरी के साथ साथ मैंने गाने की भी बहुत तालीम लेने लगा मेरे दीदी के साथ वहाँ, मगर लक्ष्मण प्रसाद जी को ऐसा लगा कि बांसुरी से कभी भी इसका मोह छूट नहीं रहा, जो भी मैं सिखाता हूँ ये गाता भी और बांसुरी में भी बजाता है। तब मेरे पिताजी को उन्होंने कहा कि आज के युग में, उस मैं 75 की बात बता रहा हूँ, बहुत गुण के सागर हैं, पंडित विजय राघव राव बांसुरी के एक महान कलाकार, एक महान गुणी, एक म्यूजिकोलॉजिस्ट भी और एक कंपोजर, कंडक्टर और क्या क्या नहीं, उनके पास लक्ष्मण प्रसाद जी ने भेजा मुझे। और 76 में मैं लक्ष्मण प्रसाद जी के कहने पर विजय राघव राव जी का शिष्य बन गया। तो ये सफ़र चलते 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 1981 में मुझे ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन अवार्ड तो मिला और साथ ही साथ दर्शन हुए मेरे दादा गुरु पंडित रविशंकर जी के, जो मेरे गुरुजी ने जब कहा कि मेरा ये जो शिष्य है इसको मैं कंप्यूटर कहता हूँ, कंप्यूटर इन द सेंस जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को लिखे या जो भी, तो आत्म स्वागतम, शुभ स्वागतम जो एशियाड के लिए रविशंकर जी ने बनाया उसमें मैंने बांसुरी बजाई और उसके साथ साथ ही मेरा जुड़ाव रविशंकर जी के साथ, बड़े गुरु जी हम लोग कहते हैं उनके साथ हुआ और आज तक है। पंडित जी को आदित्य विक्रम बिरला पुरस्कार, सहारा इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। रोनू जी रिसीव्ड द ग्रैमी नॉमिनेशन फॉर हिज वर्क ऑन द एल्बम टैबुला रसा विद मिस्टर बेला फ्लेक, द अमेरिकन बैंजो वर्चुओजो। रोनू जी इज नोन फॉर हिज कोलैबोरेटिव वर्क विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स लाइक जॉर्ज हैरिसन, राय कुडर, लैरी कॉरियल, जॉन हैसल्स and Indian maestros like Pandit Ravi Shankar, Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Jasraj and Gaan Saraswati Kishoriya Monkar. He has more than 30 audio releases to his credit.
He has recorded extensively for Bollywood giants like R.D. Barman. R.D. Barman साहब जो थे वो एक बहुत ही चौमुखा मेजर एक्टर थे, ऑल टाइम ग्रेट जिसको कहा जाता है. तो ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में अवार्ड मिलने के बाद मेरी मुलाकात उस जमाने में जो तारशनाई को आविष्कार किए टैगोर साहब से हुआ, डीएम टैगोर. तो वो आर.डी. बर्मन के पास मुझे ले गए और पंचमदा को मेरा खमाज में बजाना बहुत पसंद आया, क्योंकि खमाज उनका भी एक बहुत फेवरेट राग था. आप देखेंगे उनके 100 गाने अगर उन्होंने बनाए तो उसमें से 80 गाने खमाज में ही हैं. तो उन्होंने पूछा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाने आता है, मैंने कहा नहीं बैकग्राउंड म्यूज़िक तो नहीं. बोले लिखते हो म्यूज़िक, मैंने कहा हाँ. तो उसी दिन से वो 1981 का उनका पहला गाना मैंने बजाया था, याद आ रही है जो लव स्टोरी पुरानी जो राजेंद्र कुमार जी ने बनाई थी. उसके बाद सारे गाने मैंने बजाए, इलिया राजा के लिए भी मैंने बजाया, ऐ जिंदगी गले लगा ली वो भी मेरा बजाया हुआ है, रविंद्र जैन साहब के लिए भी. और इस तरीके से आखिरी फिल्म पंचमदा की आई, तब तक क्लासिकल म्यूज़िक से मुझे टाइम नहीं मिलता था, मगर मेरे लिए इंतज़ार किया उन्होंने और कुछ ना कहो भी मैंने बजाया. और उसके बाद एक फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं क्या बजाऊंगा, मगर जब विशाल भारद्वाज आए माचिस को लेके मेरे सामने तो मुझे लगा कि इनमें भी एक बात है. तो पानी पानी रे लता जी का लाइव मैंने बजाया बैठ के वेसन आउटडोर स्टूडियो में. और भीमसेन जी की बात कहूँ तो वो एक ऐसे भीमी थे, वो मतलब भीमसेनी पना हम लोग कहते थे, उनकी आवाज़ में जो एक भीमसेनी पना था, एक ताकत और एक ऐसा लगता था कि जैसे वो सा कहेंगे तो 100 सा जैसे एक साथ लग गए. तो मैंने 1983 में पुरानी अचीवमेंट में जाकर उनका राम श्याम गुनगान एक एल्बम था, उसको मैंने लाइव बजाया. और वो जो गाना उन्होंने गाया, बजरे मुरलिया बाजरे, बजरे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली को. तो जब मैंने ये गाना जो है ये पटदीप में आधारित है, सागा मा पा नि सा गा रे नि सा दा पा पगा मा पानी. तो जब रागों के ऊपर बेस्ड करके मैंने ईश्वर की कृपा से जो पीस बजाया तो मुझे बहुत आशीर्वाद दिए. अब आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग परमेश्वरी, जिसे बनाया है भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने. आपके साथ संगति कर रहे हैं तबले पर श्री रामदास पलसुले, बांसुरी पर आप ही के शिष्य अजय पिंगले और तानपुरे पर जयंत नायडू. तो आइए सुनते हैं बांसुरी पर राग परमेश्वरी, कलाकार मैहर घराने के पंडित रोनू मजूमदार. Mm-hmm.
Thank you.